नमस्कार, मैं सुगंधा श्रोत्रिय और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। यूपी में अपराधियों पर होगी सख्ती। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में अपराधियों के एनकाउंटर को सही ठहराते हुए कहा है कि कानून व्यवस्था के लिए ऐसा जरूरी है। सीएम ने कहा कि यूपी के बारे में धारणा इतनी खराब थी कि कोई वित्तीय संस्थान लोन देने के लिए तैयार नहीं हो रही थी। कुछ बैंकों के साथ मैंने खुद बात की और तब मुझे महसूस हुआ कि बाहर हमारी छवि कितनी खराब है। नृत्य नाटिका श्रीराम की प्रस्तुति के साथ आगरा में ताज महोत्सव शुरू। आगरा में आयोजित ताज महोत्सव के पहले दिन शिल्पग्राम राम और कृष्ण में हो उठा। श्री राम भारतीय कला केंद्र ने नृत्य नाटिका के माध्यम से भगवान श्री राम के जन्म से लेकर राज्याभिषेक तक की संगीतमय प्रस्तुति दी। ब्रज लोकगीतों व नृत्य की प्रस्तुति में मयूर नृत्य व फूलों की होली ने दर्शकों को प्रभावित किया। ताज महोत्सव में वर्षों से चली आ रही परिपाटी से अलग पहले दिन मुख्य कार्यक्रम के रूप में नृत्य नाटिका श्री राम की प्रस्तुति की गई। पाकिस्तान ने भारत से रूट नेविगेशन शुल्क के रूप में करीब 3 लाख रुपए वसूले। पाकिस्तान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूर्व पीएम नवाज शरीफ के बर्थडे में शामिल होने के संबंध में 1.49 करोड़ का बिल भारत सरकार से वसूला है। पाकिस्तान सरकार ने भारत से 2.86 करोड़ की वसूली की है। पीएम नरेंद्र मोदी का विमान 2 बार पाकिस्तान के ऊपर से उड़ा था, बाकी रकम इसके लिए वसूल की गई है। ये सभी वसूली रूट नेविगेशन शुल्क के रूप में की गई है। मुंबई पुणे के बीच हाइपरलूप प्रोजेक्ट के लिए वर्जन ग्रुप और महाराष्ट्र सरकार के बीच समझौता। मुंबई अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन का काम शुरू होने के बाद मुंबई के लोगों को इससे भी दोगुना स्पीड से दौड़ने वाला हाइपरलूप का तोहफा मिल रहा है। मुंबई और पुणे को हाइपरलूप से जोड़ने के लिए अमेरिकी कंपनी वर्जन ग्रुप ने महाराष्ट्र सरकार के साथ समझौता किया है। कंपनी का दावा है कि इस तकनीक से 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से मुंबई व पुणे के बीच सफर महज 13 मिनट में पूरा हो सकेगा। जया बच्चन हो सकती हैं तृणमूल कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार। समाजवादी पार्टी की नेता और बॉलीवुड अभिनेत्री जया बच्चन अब तृणमूल कांग्रेस से जुड़ सकती हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी जया बच्चन को राज्यसभा का उम्मीदवार बना सकती हैं। राज्यसभा में जया बच्चन का तीसरा कार्यकाल आगामी 3 अप्रैल को समाप्त हो रहा है। इस मामले में आधिकारिक घोषणा 18 मार्च के आसपास हो सकती है। अप्रैल में राज्यसभा के 58 सांसदों का कार्यकाल समाप्त होने वाला है। क्रिकेटर से राजनीतिज्ञ बने इमरान खान की तीसरी शादी पर मोहर लगी। पूर्व क्रिकेटर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी पीटीआई के प्रमुख इमरान खान की तीसरी शादी की पुष्टि हो गई है। इमरान खान ने बुशरा मानिका से निकाह किया है। इमरान खान की पार्टी पीटीआई ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर लिखा है कि रविवार 18 जनवरी को रात 9 बजे परिजनों और करीबी दोस्तों के बीच निकाह हुआ। निकाह समारोह बुशरा के घर हुआ। शादी की तस्वीरों से पता चला है कि इमरान और बुशरा मानिका का निकाह मुफ्ती सैयद ने पढ़ाया है। आतंकवाद पर हो सकती है पाकिस्तान की आर्थिक नाकाबंदी। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की अहम बैठक पेरिस में शुरू हो गई है, जिसके एजेंडे में पाकिस्तान को निगरानी सूची में डालना शामिल है। पाकिस्तान को ग्रे वॉच लिस्ट में डालने को लेकर अमेरिका एक प्रस्ताव इस संस्था की 6 दिवसीय बैठक से पहले ही दे चुका है। इस प्रस्ताव पर ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी भी उसके साथ है। किसी भी देश का नाम ग्रे वॉच लिस्ट में तब डाला जाता है जब वह आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई के वादे पूरे ना कर रहा हो। केंद्रीय सतर्कता आयोग ने दिया 3 साल से जमे बैंक अधिकारियों के तबादले का आदेश। पीएनबी घोटाले के मामले में सीबीआई ने मुंबई की ब्रेडी हाउस शाखा को सील कर दिया है। सीबीआई की तरफ से लगाए गए नोटिस में लिखा है कि इस ब्रांच को नीरव मोदी एलओयू मामले के कारण सील किया जाता है। इस ब्रांच में कर्मचारियों की एंट्री पर भी रोक लग गई है। वहीं केंद्रीय सतर्कता आयोग ने सभी बैंकों को आदेश दिया है कि किसी भी अधिकारी को 3 साल से अधिक एक ब्रांच में ना रखा जाए। क्लर्क लेवल पर 5 साल पूरे करने पर तुरंत प्रभाव से ट्रांसफर किया जाए। टी20 में सबसे ज्यादा कैच लेने वाले विकेटकीपर बने धोनी। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी साउथ अफ्रीका के खिलाफ 3 T20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज के पहले मैच में T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा कैच लेने वाले विकेटकीपर बन गए।
धोनी ने भुवनेश कुमार की गेंद पर रीजा हैंड्रिक्स का कैच लिया, जो 275 टी20 मैचों में धोनी का 134वां कैच था। इसके साथ धोनी ने एक श्रीलंका के पूर्व कप्तान और विकेटकीपर कुमार संगकारा को पीछे छोड़ दिया। संगकारा ने 254 मैचों में 133 कैच लिए थे। बाफ्टा अवार्ड्स 2018 में थ्री बिलबोर्ड्स ने जीते बेस्ट फिल्म सहित 5 पुरस्कार। लंदन के रॉयल एल्बर्ट हॉल में 31वें बाफ्टा अवार्ड्स 2018 की घोषणा की गई, जिसमें फिल्म थ्री बिलबोर्ड्स आउटसाइड एबिंग मिसौरी ने बेस्ट फिल्म सहित 5 अवार्ड जीते। इस फिल्म को बाफ्टा में 9 नॉमिनेशन मिले थे। द शेप ऑफ वाटर ने बेस्ट डायरेक्टर सहित कुल 3 अवार्ड जीते हैं। द शेप ऑफ वाटर को 12 नॉमिनेशन मिले थे। फिल्म डार्केस्ट आवर को भी 9 कैटेगरी में नॉमिनेशन मिले थे। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। देखते रहें और सब्सक्राइब करें न्यूज़ लाइव।